श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव, कला लोक गायन। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कर गृह जनपद लौटी उर्मिला का जोरदार स्वागत। भारतवर्ष की प्रसिद्ध कजली गायिका उर्मिला श्रीवास्तव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात गुरुवार को प्रातःकाल जब मगध एक्सप्रेस से मिर्जापुर उतरी तो अपार जनसमूह उनके स्वागत के लिए उमड़पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोग स्टेशन पर इकट्ठा हो गए थे। ट्रेन के आते ही स्टेशन पर जयकारे की गूंज होने लगी। जैसे ही पद्मश्री ट्रेन से बाहर निकली अपार जनसमूह ने उन्हें घेर लिया और माता विंध्यवासिनी की जय, बाबा विश्वनाथ की जय के नारे से स्टेशन गूंज उठा। मिर्जापुर के लोक गीत कलाकारों की टोली तथा विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति वहां उपस्थित रहे। संस्कार भारती की ओर से काशी प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी ने उर्मिला श्रीवास्तव को माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया। स्टेशन पर उपस्थित यात्रियों का भी एक बड़ा समूह वहां पर एकत्रित हो गया। उर्मिला श्रीवास्तव ने उपस्थित सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे जो यह सम्मान प्राप्त हुआ है यह आप लोगों की देन है। आप लोगों की शुभकामनाओं तथा आशीर्वाद के दम पर ही यह सम्मान प्राप्त हुआ है। कलाकारों के मध्य प्रसन्नता की ऐसी लहर उमड़ी कि कलाकार वहां पर नृत्य करने लगे और झूमने लगे। इस अवसर पर संस्कार भारती के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद श्रीवास्तव, लोकगीत संयोजक शिवलाल गुप्ता, सुरेश मौर्य, राम नारायण यादव, शैला संजय श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, एडवोकेट आनंद गुप्ता, KSP ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर शक्ति श्रीवास्तव आदि की प्रमुख रूप से उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, द कायस्ता डवर्जमा।